नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। जब सलमान खान को मारेंगे तो पता चल जाएगा, यहीं उसे जोधपुर में मारेंगे। साल 2018 जून महीने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खुले तौर पर बॉलीवुड के दबंग खान को जान से मारने की बात करने वाले इस शख्स के बारे में लोगों ने पहली बार जाना। नाम था लॉरेंस बिश्नोई। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को जान से मरवाया, और अब हरियाणा के इनेलो नेता नफे सिंह राठी की हत्या का शक भी उसके सर पर है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस ही है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामलों में बार बार सुर्खियों में आता है, जबकि वो 2014 से ही जेल में है। सलाखों के पीछे से भी वो देश विदेश में फैला अपना क्राइम नेटवर्क चलाता है। ईडी, एनआईए समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ कई मुकदमे कर रखे हैं। पिछले साल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस की भूमिका सामने आई। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फजलिका का रहने वाला है। एक संपन्न किसान परिवार में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था। कॉलेज में उसकी जिंदगी ऐसी पलटी कि अब रियल लाइफ में क्राइम वर्ल्ड का वो एनिमल बन चुका है। आज हम इसी कुख्यात गैंगस्टर की बात करेंगे। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पंजाब के फिरोजपुर के अबोहर में पुलिस कांस्टेबल लविंदर सिंह के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। गोरा चिट्टा रंग देखकर मां ने लॉरेंस नाम रखा, जिसका मतलब होता है साफ सुथरा, चमकता दमकता। ये बात आज से करीब 31 साल पहले की है, यानी 1993 की। पिता पुलिस में थे, माँ पढ़ी लिखी थी लेकिन घर में रहती थी। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। उसने 12वीं तक की पढ़ाई अपनी अबोहर में की। इसके बाद कॉलेज के लिए वो 2010 में चंडीगढ़ चला गया। सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज में उसने पढ़ाई की। तभी वो पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन का अध्यक्ष बना, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला कभी नहीं लिया। उसे अपने सीनियर्स के साथ रहना बहुत पसंद था। पाजी पाजी करके उनके साथ लगा रहता। उसको हमेशा से कुछ बड़ा करना था। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई सतेंद्रजीत सिंह से, जिसका दूसरा नाम है गोल्डी बराड़। दोनों उस वक्त छात्र राजनीति में सक्रिय थे। फिर इसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते उसने अपराध की दुनिया में दाखिला लिया। 2011 में मारपीट, लूटपाट और अतिक्रमण के मामले में उसके ऊपर केस दर्ज हुए। तीनों मामले छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में अपना गैंग बनाया, जिसका नाम था 007। एक दौर में लॉरेंस छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का पोस्टर बॉय था। जरायम की दुनिया में उसकी एंट्री कराई फजलिका के गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। लॉरेंस अपने साथियों के साथ छात्र राजनीति की आड़ में राजस्थान, खासकर श्रीगंगानगर, भरतपुर में रहना पसंद करता था। साल 2014 में लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जेल पहुंचा। एक एनकाउंटर के बाद राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। रॉकी की मई 2016 में हिमाचल प्रदेश के परमाणु के पास हत्या कर दी गई। कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने हत्या की जिम्मेदारी ली। हालांकि बाद में भुल्लर को भी जून 2020 में कलकत्ता में गोली मार दी गई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम नेशनल लेवल पर 2018 में सामने आया था, जब उसके करीबी सहयोगी संपत नेहरा को पुलिस ने पकड़ा। जून 2018 में बेंगलुरु से गिरफ्तार नेहरा ने खुलासा किया कि लॉरेंस ने उसे काले हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से है। बिश्नोई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसे हैं। बिश्नोई समुदाय के लोग काले हिरण को पवित्र मानते हैं, इसीलिए गुस्सा लॉरेंस बिश्नोई में भी था। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर मई 2022 में पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लगा। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने शूटिंग की जिम्मेदारी ली, मगर बिश्नोई की सक्रिय भागीदारी का शक बना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला के बाद राजस्थान के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। सलाखों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में तगड़ा प्रभाव है। विभिन्न एजेंसियों ने उस पर बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है। लॉरेंस बिश्नोई का यह क्राइम सिंडिकेट पूरे भारत में फैला है, जिसमें 700 सदस्य हैं। शार्प शूटर्स हैं जो किसी को भी मारने की सुपारी लेते हैं। इन सभी शूटर्स का निशाना कभी चूकता नहीं है। यही नहीं, लॉरेंस छोटे छोटे गिरोह को भी अपने साथ जोड़कर वारदातों को अंजाम देता है। वो कनाडा और बाकी जगहों पर बैठे पंजाब के अन्य गैंगस्टर्स के टच में रहता है। एक तरह से लॉरेंस ने देसी गैंगस्टर्स के साथ मिलकर ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा किया हुआ है।
लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली आदि के 2 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। बिश्नोई ने खालिस्तान आंदोलन और साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया है। वो शहीद भगत सिंह, गुरु जम्बेश्वर और भगवान हनुमान को मानता है। लॉरेंस ए कैटेगरी का गैंगस्टर है जो फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और 1 साल वो यहीं रहेगा। गुजरात पुलिस इसे सीमा पार से करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी के केस में पंजाब की भटिंडा की जेल से 23 अगस्त 2023 को प्रोडक्शन रिमांड पर ले गई थी। इसके बाद से ही वो साबरमती जेल में है। गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों की पुलिस भी 1 साल तक उसे प्रोडक्शन रिमांड पर नहीं ले सकेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत सभी राज्यों की अदालतों में चल रहे केसों की सुनवाई में उसे फिजिकली पेश नहीं किया जाएगा। साबरमती जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की सुनवाई में वो शामिल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।